तो मैं संतोष कुमार मौर्या बीएनएस गोट फार्म से, और दोस्तों आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। और ये देखिए मेरे हाथ में है एलोवेरा। एलोवेरा का ये पौधा है, ये प्लांट मैं लेके आया हूँ। अभी अभी अपने नज़दीकी नर्सरी से मैं खरीद करके लाया। और जानते हैं इसको मैं क्यों लाया? सबसे पहले तो मैं बता दूँ, बकरी पालन में एलोवेरा का बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व को जो जान गए हैं, जो समझ गए हैं, वो बकरी पालन कर रहे हों या गाय भैंस का पालन कर रहे हों, यानी किसी भी तरीके के आप पशु का पालन कर रहे हैं, तो उसमें आपको एलोवेरा का बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। और मुझे अक्सर ज़रूरत पड़ता था, तो हमारे गांव में लगा हुआ था, तो मैं वहां से जाता था, मांग करके लाता था। लेकिन भाई अब ये एक दिन का तो काम है नहीं, जब ये महीने में दो चार बार हमको चाहिए। अभी हम बकरी पालन कर रहे हैं तो हमको चाहिए, तो हम दूसरे के यहाँ से कब तक कितना मांगेंगे? तो माइंड में आया कि क्यों ना इसका एक प्लांट ला करके अपने घर पे लगाया जाए, अपने बाड़े के पास लगाया जाए, ताकि हमें किसी दूसरे से मांगने का ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि बकरी पालन में या पशु पालन में एलोवेरा का कितना बड़ा महत्व है, इसको कैसे खिलाना है, कब खिलाना है, किस पशु को खिलाना है और कितना खिलाना है। क्योंकि मैं बकरी पालन करता हूँ तो मैं बकरी पालन पर ही बात करूँगा, गाय भैंस पर मैं बात नहीं करूँगा, उनके डोज के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। और इसके इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे फायदे हैं, इतने मिनरल हैं इसमें, इतने प्रोटीन है इसमें, इतने विटामिन है इसमें, कि आपका मिनरल मिक्सचर का भी खर्चा नहीं होगा अगर आप इस प्लांट को अपने बाड़े में अपने फार्म पर लगा लेते हैं तो। और इसके इतने सारे फायदे हैं दोस्तों कि मैं इसी एक वीडियो में इसके सारे फ़ायदों को नहीं गिना सकता। सिर्फ मैं एक फ़ायदा बताऊंगा और अलग अलग इसके ऊपर मैं वीडियो ला करके और हर फायदे के बारे में मैं आपको बारी बारी से और एकदम बारीकी से बताऊंगा, ताकि आपको समझ आ जाए। चूँकि एक ही वीडियो में इसके इतने सारे गुण हैं कि हम बता नहीं सकते। कहने का मतलब कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखोगे नहीं। वैसे भी आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं और फिर भी क्वेश्चन करते हैं, जबकि वीडियो में बताया गया है। तो पहले मैं इसको रख देता हूँ। एक चीज़ मैं बता दूँ, इसको निकालना कैसे है, इसको खिलाना कैसे है। क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है, तो बकरियों को खिलाने से अच्छा है कि अब इसका जेल निकालें। अब इसका आप ये पत्ती निकालेंगे और देखिए इसमें कांटा होता है, छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, अभी छोटा ट्री है तो छोटा छोटा इसमें कील होता है, कांटा होता है, तो बकरियाँ इसको खाने से कतराती हैं। अगर किसी भी तरीके से बकरियों ने इसको खा भी लिया तो ये इतना कड़वा होता है कि वो ज़्यादा नहीं खाती हैं और दूर है, इसको सूंघ करके दूर हट जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं एक बकरी पर बात करूँगा, अब आपके पास कौन सी ब्रीड है आप उसके हिसाब से उसका डोज देख लेना। मैं एक छोटी ब्रीड पे बता रहा हूँ आपको, चले जैसे एक 30-40 किलो की बकरी है या बकरा है, तो उसके ऊपर मैं बताऊँगा और सिर्फ एक ही फायदे के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक पत्ती निकालना है, इसका एक डंठा है जो है, एक पत्ती निकाल लेना है। और निकालने के बाद यानी उसको तोड़ लेना है, वहाँ से नज़दीक से जैसे यहाँ से कटिंग कर लेना है आपको, या ऐसे तोड़ेंगे तो टूट जाता है आराम से, इसको तोड़ लेना है। और जब इसको आप सेंटर से किसी चाकू से इस पत्ते को आप जब छीलोगे तो इसमें से एक जेल निकलता है, सफ़ेद वाइट एक जेल निकलता है, उस जेल का आपको इस्तेमाल करना है। अभी मैं इसको रख देता हूँ, फिर जो है कि मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि वो जेल कैसे इस्तेमाल करना है बकरियों के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसका तासील गर्म होता है और आप गाभिन पशुओं को देने से बचें, यानी ओरल पिलाने से बचें। और आज हम बात करने वाले हैं स्किन प्रॉब्लम, बकरे बकरियों को किसी भी प्रकार का दाग, खाज, खुजली, स्किन चमड़ी पर किसी भी प्रकार का बीमारी, किसी भी प्रकार का घाव हो गया है, किसी भी प्रकार का सूजन हो गया है, जैसे थनैल रोग हो गया है, तब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये सूजन के लिए बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहा है दोस्तों, बकरियों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है एलोवेरा। तो अभी हम बात कर रहे हैं बकरी के फोड़े, फुंसी और उनके स्किन पर जो दाँत, खाज, खुजलियाँ होते हैं उसके ऊपर। अब आपको करना क्या, जैसे मैंने बताया कि आपको उसका एक पत्ती तोड़ना है और उसको सेंटर से जब आप काटोगे तो उसमें वाइट जेल निकलता है, उस जेल को आपको एक कटोरी में इकट्ठा करना है। और सपोज जैसे मैंने बताया कि एक 30-40 किलो वेट की बकरी है या बकरा है और उसके स्किन में प्रॉब्लम है,
तो आपको कम से कम 50 ग्राम लेना पड़ेगा इसका जेल। अब आप देख लें पत्ती कितना लंबा चौड़ा कितना बड़ा है, उसमें कितना निकला है, एक अंदाज में 10-5 ग्राम कम और ज़्यादा का कोई मैटर नहीं है। तो अगर आपको 50 ग्राम जेल लेना है एक पत्ती में होगा तो ठीक है ना, आप दो पत्तियाँ तीन पत्तियाँ कर लें, छोटा बड़ा है। तो आपको 50 ग्राम जेल लेना है और उसके साथ में 50 ग्राम नारियल का तेल लेना है और उसके साथ में आपको लेना है हल्दी, और हल्दी कितना लेना है उसका एक चौथा हिस्सा, 50 ग्राम का चौथा हिस्सा आपको लेना है, यानी कि आपको 12-13 ग्राम पड़ेगा। तो आप वो हल्दी ले लें और तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद बकरी के पूरे शरीर में, उसके आँख में ना जाए, उसके नाक में ना जाए, उसके मुंह में ना जाए, अब जहाँ जहाँ उसको इन्फेक्शन हुआ है स्किन पर, कोई भी प्रकार का, जैसे मैंने बता दिया आपको कि दांत खाज खुजली फोड़े फुंसी कुछ भी हुए हैं, तो आप उसके थन अडर हर जगह लगा सकते हैं, उसके खुर से ले कर सर तक आप उसको जो है कि लगाएं। और ये दिन में दो बार लगाएं, एक बार सुबह और एक बार शाम लगाएं, तो इससे आपके बकरी बकरियों का स्किन का जो प्रॉब्लम है वो साल्व हो जाएगा और स्किन का शाइनिंग भी बढ़ेगा। तो शाइनिंग कैसे बढ़ेगा, जब उसको स्किन का जो प्रॉब्लम है वो सब जब ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बकरियाँ दिखने में अच्छी लगेगी। दोस्तों एलोवेरा का बहुत बड़ा बकरी पालन में महत्व है, और लेकिन इसको कोई जानता नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि गाभिन बकरियों को देने से बचे, गाभिन पशुओं को देने से बचे, और इसका तासीर थोड़ा सा गर्म होता है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, उन सब फ़ायदों पर एक एक वीडियो में पूरी डिटेल के साथ मैं बताऊँगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाना। और